हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के टाइम पर हमारा हमेशा कम तेल मसाले वाली सब्जियां खाने का मन करता है, पर लौकी, भिंडी, तरोई ये सब खाते खाते हम हो जाते हैं बोर। तो ऐसे में आप ये बहुत ही टेस्टी, कम तेल, कम मसाले और कम समय में बनने वाली मिर्ची की सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए ये जो मोटी वाली हरी मिर्ची आती हैं इन्हें ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली है और इसके बाद इसको धुल लिया था, और धुलने के बाद अब हम इसे काट लेंगे। तो काटने के लिए देखिए, डंठल मैंने इसका हटा दिया है, उसके बाद इसे हम इस तरीके से गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। और अगर आप इसे कम तीखी बनाना चाहते हो तो इसके जो है बीज निकाल दीजिए, पर मुझे तो इसे तीखा तीखा ही जो इसका टेस्ट आता है वही अच्छा लगता है, तो मैंने इसके बीज नहीं निकाले हैं। और उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आप खाते हो। और उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये थोड़े से मसाले, जीरा, सौंफ थोड़ी सी और हींग और थोड़ी सी राई, इन सबको डालकर 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तेल मसाले का बिल्कुल कम यूज़ हुआ है। उसके बाद इसमें 1 प्याज ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट करके डाल देंगे। इन्हें बिल्कुल हल्का सा हम भुनेंगे, इन्हें भी बस खाली 1 मिनट ही भुनना है। उसके बाद हम इसमें ये थोड़े से मसाले डालेंगे, तो उसमें 1/2 छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। और इन मसालों को हम 30 सेकंड भुनेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो मिर्ची हमने काट के रखी है, इसे डालकर भी हम इसे मिक्स कर देंगे। और ये मिर्च पकने में बहुत कम टाइम लगता है, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, ये देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये 1 जो है मोटे पीसेस में कटे हुए टमाटर, इन्हें भी मिक्स कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए, 1 मिनट बाद खोल कर इसे चलाएंगे और मुश्किल से 2 मिनट में ये सब्ज़ी पक जाती है। सच बता रही हूँ, मिर्ची बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो 1 मिनट बाद इसे चला देंगे, चला इसलिए देंगे क्योंकि नीचे से ये लगे नहीं। और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट में ही आपकी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने इसे खोला तो अभी देखिए मिर्च जो है पक चुकी है और टमाटर भी देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो आपकी बिल्कुल टेस्टी सी हरी मिर्ची की सब्ज़ी जो कि 2 मिनट में ही बनती है बनकर तैयार हो गई है। और ये सब्ज़ी पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल, चावल सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ज़रूर से ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।